हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं आईपीएल स्पूफ फ्रॉम द चैनल टू इन वन वाइन्स। यस, आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस। ओके, तो टू इन वन वाइन्स की वीडियो है। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एज यूजुअल। आइसक्रीम नोचने वाले आइसक्रीम स्वागत है आपका टाटा आईपीएल 2024 के फाइनल मैच में, जिधर एक तरफ आरसीबी कैप्टन विराट कोहली, वहीं दूसरी ओर है मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या। हार गए भैंसली के। सो क्या लेना पसंद करेंगे आप? टैल या पत्थर? पत्थर लेंगे यार, टैल कमजोर हो गए। अबे बाबली, लो टेल कमजोर होने लगी। अबे सुतरी के कंपनी की लगवा के देख, मजबूत निकलेगी, टच से मच नहीं होने की है। पागल हो? किस चीज की बात चल रही? पागल होते तो यहाँ पे हम मैच खेलने आते तुम्हारे साथ। देख रहे यार कंपनी की टेल सोमानी वाली, सोमानी की मजबूत पत्थर। पहली बात तो टाइल लड़ो सबसे बढ़िया होता है फरस है? और सुनना मेरी बात, पर्सनल राय दे रही हूँ, उससे बढ़िया होती है गुबरी। गुबरी फिर वालो, ठंडी ठंडी हवा आ गई आंगन में। तो फिर एसी पेसी तो हटवाई दे। मैं बिल्कुल हटवा दो, फालतू अभी ला रिया। एसी हटवा दे अपने घर पे से। मेरे घर पे एसी है ही ना, कटवा ली। बावल हो रहे बाबा, एसी उसके घर पे ना कटवाऊंगा मैं काहे को। चलिए वापस आते हैं टॉस की ओर। विराट कोहली आप बताइए सर लेंगे हम इधर चूतिया एक नंबर का। और ये टॉस का फैसला हो चुका है, मुंबई इंडियंस करेगी बैटिंग। चल चल टॉस हुआ है कहां? अरे क्या कर रहा है रे, मैच शुरू हो गया, जल्दी स्टार्ट करने का, ना तो फोड़ डालेगा अपन इसको। ऐसा है ऐसा हाथ मत लगा देना, ना तो गांड में लैपटॉप डालकर तेरी विंडोज 7 ही चढ़ा दूंगा। अरे कहाँ रे, अरे कहाँ रे, गिरे आए नहीं अभी तक, मैच शुरू होने का जल्दी सामने का इधर को। कहाँ था रे तू? प्यार भगवान ना दे रही, ये दे रही सट्टे जरूरी है, मैं जरूरी हूँ फिर तो बैठा था सट्टे में। वाह, चार दिन करता है इसे। ऐसा है अब तो हाथ लगा दिया, अब के बाद मत लगा देना, कब्जे में रख लेना हाथों को। ले लगा दिया। तेरी बहन का रोकड़ा लगवा ले किसी और से सट्टे। बैठने बैठने पागल है क्या तू? अबे नोकिया का मोबाइल समझ रही है तू इसे? तो ये एप्पल भी ना है, तू एप्पल वाले के साथ भी सट्टा खेल। अरे अरे एप्पल से बढ़िया है ये तो, मैक से बढ़िया। ए सट्टा लगाना मेरा, रुक जा यार, इसकी बैटरी हिल गई दिखे। कैसे? अरे इतना मौत छुड़ाई है ना अपनी सुतरी के ने, एक तो पहले से टेप लगा के लाया घर से। मुंबई इंडियंस के दोनों महानतम बल्लेबाज उतर के आ चुके हैं पिच पर, और देखिए किस तरह से साउथ के हीरो की तरह एंट्री हो रही है इनकी। एक का नाम है सूर्य कुमार यादव और दूसरे का नाम है रोहित शर्मा। पता नहीं कैसा चलेगा आज इनका कर्मा। भाई मुझे लगता है हार्दिक पांड्या का खेलना आज मुश्किल है। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों? चोट ले रही है ना वो आजकल। हाँ ये तो है। ये पीछे से कौन आ रहा है? अरे ये तो अपने हार्दिक पांड्या है ना, ये कहाँ जा रहे हैं? ये तो खेल लिया है। हाँ अब कैसे ना खेलेगा, आईपीएल जो है वर्ल्ड कप में तो चोटी लेके बैठ जाओ। लगता है शायद ओपनिंग के इरादे से आए हैं पिच के ऊपर। मगर रोहित भाई ऐसा है, तेज तेज में तुमने बल्ला तो पकड़ लिया, अगर रन ना लगे ना स्टंप चौच की तरफ से गांड में घुसूंगा, खेल लो जाओ। ए सुन जरा, तू नहीं हो कैप्टन, और अगर रन ना लगे ना तो ये स्टंप देख रिया, तू तो घुसेड़ेगा इधर की तरफ से, लेकिन मैं है? हार्दिक पांड्या तैयारी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पहली बॉल पर मारेंगे छक्का, अब देखते हैं मार भी पाएंगे या नहीं। और ये बॉलर की पहली गेंद, अरे भैया सुअर उतार दिया। क्या लगता है आपको हार्दिक पांड्या खेलेंगे या नहीं? ये तो देखना होगा, वक्त बताएगा किस तरीके से खेलते हैं, किस तरीके से अपने आप को मैनेजमेंट में लाते हैं। भगवान, अरे ये तो पट्टी बांध रहे, ये तो डॉक्टर बन गए। कुछ और ये दूसरी बॉल, अरे क्या है? बॉलर ने निशाना टाक के मारी हो बॉल मुंह पे, इनका तो मोह मोह हो गया भाई, अब तो ये लगता है मोह मोह हो गया। खुदा से लगती है बहुत बुरी बॉलें पड़ी हैं यार मुंह पे। ये बल्ले की आवाज कहां से आई? ये बहुत ऊंचा शॉट मारा, देखना होगा किसने मारा है ये। पूरा चूने पर खड़ा हूँ मैं, पैर देख अपने हवा में।
लंड खराब हवा यार, ये तुमने यार बहन के बाल मारो यार, हवा में छोड़ दिया तुमने यार, आउट करवा दिया बेवजह का यार, चलो घर को लेकर चलो यार। इसी के साथ हार्दिक पांड्या की पारी हुई समाप्त। अरे नहीं ये कौन है, ये लगान के कहां से आ गए? किसान नहीं, ईशान किसान, ये अपना हावड़ा लेकर आए हैं पिच के ऊपर, देखिए किस तरह से दर्शकों को हाथ दिला रहे हैं। और ये बॉलर की पहली गेंद, पावड़े पे, टाइमिंग टाइमिंग देखनी होगी, क्या शानदार टाइमिंग है, लगता है राज शिलाजीत खा रहा है। क्या बात है, अब सिट यार, अब क्या हो गया, कैसा परेशान है? अब यार मेरा कैप्टन चला ही ना यार, जीरो पाउट हो गया। अबे कितने तो चौके मार के खेल लिया, ले देखिए एक और मार दिया, यस यस पत्री। आप ऐसा करो यार, इस साइड से करा लो बॉल, कंधा लग रहा है यार। मैं तो ना करा रिया, यहीं से कराऊंगा मैं तो। गलत बोल दिया मैंने, कोई दिक्कत है इधर से? पता नहीं। अबे अबे तू बीसीसीआई का उपाध्यक्ष है? है कौन है तू, मुझे मत सिखाना। सॉरी कौन है पहले ये बताओ, थोड़ी सी हिम्मत जरा दे रो ठेरी। भाई गुस्सा कर दिया एम्पायर को, एम्पायर आउट है। एम्पायर साहब क्यों मारा? बे भोसड़ी वाले, एम्पायर आउट कैसे हो जाएगा? एम्पायर आउट एरिया बताओ बहन के लड़े। एम्पायर आउट है हमें, एम्पायर एम्पायर आउट है, आउट एरिया हमें। एम्पायर को गुस्सा करोगे तो यही होगा। एम्पायर साहब मैं यूं कह रहा था, थोड़े से तुम उधर घूम जाते, कंधा सड़ लिया ना हो रिया। इस वाले ओवर में बताओ क्या रिया भाई, इस वाले ओवर में तो मेरी तीन बाउंड्री आ रही है। ले इसकी तीन बाउंड्री आ रही है, बाउंड्री की बात कर रिया है, विकेट आ रिया है। ले इसका विकेट आ रिया, विकेट आ रिया। चल बता कितने देगा बढ़ा के मुझे, तेरी बाउंड्री आ रही है, बाउंड्री के हिसाब से बता दे। तेरा विकेट आ रिया है ना, तेरी बाउंड्री ना आ रही? मेरी तो आ रही है बाउंड्री, रुक जा हाथ पीछे को रख पहले, मेरी बात सुन तो ले। ना 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 पहले हाथ पीछे को रख के भाई, लैपटॉप जाएगा मेरे लिए ना, सेक्सी फिल्म चला के इसमें गाना मार दूंगा। अरे मेरी बात सुन ले, तेरी बाउंड्री आ रही है, बाउंड्री के हिसाब से बता दे। बाउंड्री को छोड़, विकेट को देख। अरे अरे क्यों छोड़ दे बाउंड्री को, बाउंड्री के हिसाब से पैसे बताना है, क्यों नहीं बता दिया? मैं विकेट को बता दूं यार, भगवान अगर बैटरी हिल गई गाना मार दूंगा। हां ठीक है मेरी बात सुन ले, ओ ये बाउंड्री के हिसाब से पैसे बता रहे, बात यही खत्म हो जाएगी। चोरी मत किया जाए मुझे, बता दूंगा मैं, अब आपसे चोरी कर लूं मैं, बता दूंगा थपड़ा बहुत। और ये शान किसान तैयार, बड़ा विकेट हाथ में चढ़ा आरसीबी के। ये क्यों खुश हो रहा है अंपायर? और अगले बल्लेबाज के तौर पर आ रहा है रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के कैप्टन। और ये बॉलर की अगली बॉल, ओ तेरी, मेरा कद्दू खेला है बहन के बड़ा बोलते करा रिया। चल हटा छोड़ आजा, कोई बात ना, हल्की करा ले भाई। रोहित शर्मा चेत गए थे इतनी तेज बॉल पर, आ गए दोबारा से क्रीज के ऊपर। और ये बॉलर की अगली गेंद, ओहो हो क्या टाइमिंग है, क्या छक्का है, वाह वाह। पत्र ये क्या हो रहा यार? भाई साहब तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ, कभी तुम्हें ये मार रहा है, कभी कोई मार दिया है, कभी कोई मार दिया है, तुम इतना पिट के रहे हो। भाई साहब मैं आरसीबी का फैन हूँ। बढ़िया विराट भाई, विराट भाई रिलैक्स गाइस, फैन है अपना, छोड़ दो। अरे आराम से मोबाइल निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो मिल जाएगा आपको। इस गोली की वजह गंभीर भाई ने भेजा। और ये रोहित शर्मा ने मार दिया काफी घुमा के शॉट, और इसी के साथ चौका, काफी बेहतरीन शॉट मारा था रोहित। और ये ओ ओ ओ माय गॉड, और इस छक्के की बदौलत रोहित शर्मा की हो गई हाफ सेंचुरी पूरी। और इधर ऑडियंस काफी उत्सुक नजर आ रही है।
क्या बात है। और दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव भी लगातार चौके छक्के निकाल रहे हैं। छक्का मार दिया। अबे बाबली गान, छक्का का हमारा है, प्लेसमेंट करिए उसने तो। अबे उसने ना इसने छक्का मार दिया, इधर देख। हाँ साला पैसे मांग रहा मुझसे, मैं दूंगा तुझे पैसे। ओ, 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 काफी ऊंचा मारा है। और ये क्या, 6 रन। इसी के साथ पारी हुई समाप्त। और 251 का नौता दिया है आरसीबी को मुंबई ने। देखना होगा क्या ये चेस कर पाएंगे या नहीं। आस्क्रैंड चले वाले। बस तेरे पास खड़े तो हैं, इतनी तेज की बोल लिया है। मैं भाई सब तुमसे ना कह रही है, मैं प्लेयरों को बुला रही हूँ, क्या पता एक आधी खाई जाए यहाँ पे। चल आइसक्रीम दे दे हमें। चल बे, चल तेरे लिए आइसक्रीम ना खत्म हो गई। कौन दे रहे प्ले? कौन है? चोकोबार। अरे कुल्फी आएगी क्या? कुल्फी आएगी? गोल चाहिए मुझे। बिल्कुल गोल है, लो दिखाओ। लो पतली रह गई। और इससे मोटी फिर मेरे पास आएगी। गरम है लेकिन वो। ए भगवान। अरे वो इस साइड आई तो लग तू आगे लेग पे, वहां मत लग। अबे वो ऐसा वहीं लगा रहा है साले, नगोटा फाड़ दूंगा। इस टाइम पे कैप्टन मैं हूँ, मेरी चलेगी। अरे तुम्हारी सुनूंगा, तुम ही कैप्टन हो, इसकी काय को सुननी आता फिर। और ये आरसीबी की ओर से आ रहे हैं विराट कोहली और साथ में फाफ का हेलमेट कैसे हिल रहा है। टारगेट मिला है, क्या बोलते हो? ये बड़ी बात होगी ये आरसीबी के लिए, वैसे ही किस्मत में उनके लोड़े लगे पड़े। अरे तुम्हारा विकेट कीपर तो वो ईशान किशन है ना? तो भैया क्या हो गया, वो किसान है, किसान ना करेगा ये, तुम्हारी तरह ही आईपीएल खेलता रहेगा। तुम्हें मिल जाए हेड, उसे थोड़ी मिल जाएगा बेचारे को। खेल चल। विराट कोहली को बॉल करा दी है, ये क्या शॉट उठा के मार दिया, चौका। चौके की तरफ ये फिर से मारा है। विराट कोहली को क्रीम 11 पे कैप्टन बनाना चाहिए था। और इसी छक्के की बदौलत विराट कोहली को ये हाफ सेंचुरी पूरी। क्या बात है, शानदार खेले हैं अभी तक विराट कोहली। और ये बॉलर ने करा दी है बॉल, ये हमारा शॉट और वाह छक्का। ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा था भाई, को कैच पकड़ना था। ठीक है था छक्का, ये बॉल करा। पुलिस वाला भी तो आ रहा था, आ गया। अब बता किसका विकेट और किसकी बाउंड्री आ रही थी। और तू क्या कर रही है इसमें? मैं तो हाई स्कूल के रिजल्ट निकाल लिया हूँ तेरे को साहब। हाँ भाई साहब बिल्कुल सही करिए, हम दोनों स्टूडेंट है। मेरे रोल नंबर लिखो 5431560, ये रोल नंबर डालो भाई साहब। मेरा भी। अच्छा दोनों एक ही कक्षा में दिखो? तीनों। अच्छा तीनों, तो कौन सी कक्षा में हो? छठी सातवीं। सच बोल रहे हैं। चलो बेटा ये रिजल्ट ना तुम थाने में निकालिए और आराम से बैठ के सुकून से आओ। देखिए दरगाह तुम्हारे काम के बारे बता रही हूँ, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। हम यहाँ पे सट्टा खेलने, 1-2 मिल जाएंगे तुम्हें। अच्छा सट्टा सट्टा? अबे सालो तुम्हें पता ना है गैर कानूनी काम है और तुम यहाँ बैठे बैठे पैसे कमा रहे हो। दरोगा साहब ऐसे तो फिर केबीसी भी अनलीगल हो गया, वहाँ पे भी तो बैठे बैठे पैसे कमाए। क्यों भाई मेरी बात गलत है, तुम ये 100 का नोट दो। तुम सही बात है, बात तो सही कह रही है, लेकिन फिर भी तू बेटे थाने को चल। यहाँ धूप में बैठा है, काला है एक तो वैसी, और इन दोनों को भी कर रहा और हो जाएगा। चल हम आराम से बैठ के करिए टेबल पे। ये बॉलर के एक और गेंद मार दिया है विराट कोहली ने। ये महेंद्र सिंह धोनी ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही खेलना है। ये क्या, ये मुंबई इंडियंस वाले खेल रहे हैं, मुंबई इंडियंस वालों को बताया था महेंद्र सिंह धोनी ने। भाई यार विराट भाई तुम्हारे भी ऐसे आउट हो गया, मैं तुमने कोहली ना करी, अगर तुम कॉल कर देते ना तो मैं क्रीजी ना छोड़ता। अबे भैया कॉल कहाँ से करता, मेरे फोन में बैलेंस ही ना है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना आज तक ट्रॉफी नहीं जीत पाए हम। और अगले खिलाड़ी आए हैं आरसीबी की ओर से विल जैक्स, देखना होगा ये कैसा खेल पाते हैं आज। और ये बॉलर ने कराई बॉल, वो तुझसे पानी मांग रिया तो तू उसे पानी देगा या ना देगा ये बता पहले तू। ना पानी तो भाई साहब देना पड़ेगा, पानी देना सब आपका काम है भाई साहब। अरे तो ऐसे इनने मुझसे आउट मांगा, मैंने इसे आउट दे दिया। आउट देना भी सवाब का काम हो गया ना।
कारोबार। विलजैक्स आए और विलजैक्स गए। खैर अब आए हैं आरसीबी की ओर से दिनेश कार्तिक। विराट कोहली को काफी उम्मीद है इनसे, क्योंकि इस वक्त आरसीबी की हालत काफी कमजोर नजर आ रही है और ये नो बॉल का इशारा। सारी उम्मीदें चली गई हैं आरसीबी की। लगता है आरसीबी इस बार भी ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी। वैसे तो चार ओवर में आरसीबी को चाहिए 61 रन, टारगेट बड़ा नहीं है, पर आरसीबी के पास कोई ऐसा एग्रेसिव बैट्समैन नहीं है जो इस टारगेट को पूरा कर सके। और ये क्या, ये किसकी एंट्री हो रही है? कौन आ रहा भाई? ये तो अपने हमको खिलाती बनना पिच खोद देती। अब देख रहा है मार साहब क्या कर रहा है, पिच खोद रहा है, बताओ अपनी मन मर्जी चला रहा है। और मत खिलाओ उसे। अब तो ये कोई रोल है क्या भावसुड़ी का है? पिच की बहन चुट जाएगी। खेल ले आगू आगे आउट ले लेगा इसे। हम सबके चहेते क्रिस गेल आ चुके हैं क्रिस पर। वैसे मुंबई इंडियंस का टारगेट काफी बड़ा है और गेल का उससे भी बड़ा है। क्या बड़ा है? बल्ला। और ये बॉलर की अगली गेंद और ये क्रिस गेल ने उठाकर मार दिया है और ये इसी के साथ चौका। और ये क्या, ये महेंद्र सिंह धोनी की जितनी तारीफ करी जा कम ही कम है। इस बल्लेबाज को बताया था किस तरीके से खेलना है। वाह, क्रिस गेल ने तो आगे ही तहलका मचा दिया है। इतने क्लोज कब आ गई मैच के पता ही नहीं चला। 61 रन चाहिए थे पर अब चाहिए मात्र एक बॉल में 5 रन। चलिए आखिरी बॉल की ओर चलते हैं। एक बॉल में 5 रन दूर है आरसीबी अपनी पहली ट्रॉफी के नाम होने से। मात्र एक बॉल में चाहिए 5 रन है तो मुश्किल, पर सामने है आप सबके चहेते क्रिस गेल और ये बॉलर हो चुके हैं तैयार सामना करने के लिए। क्रिस गेल भी तैयार अपने बल्ले के साथ और ये बॉलर ने करा दिया है बॉल और ये आसमान में चली है बॉल। नीचे फील्डर, क्या फील्डर तेज पकड़ पाएंगे, क्या फिर छक्का हो पाएगा, देखना होगा अभी। और ये क्या, अरे विराट भाई छोड़ो इसे। बहनचोद इतने टाइम बाद हमारी ट्रॉफी नाम हुई है, अभी भी छोड़ दो, हम तो नहीं छोड़ रहे। विराट भाई और जोर से उठाओ। अरे विराट भाई छोड़ दो, ये मर जाएगा, पल्ले पड़ जाएगा हमारे। हट भगवान सपना सपना तो बताओ यार, इतना अच्छा सपना है, इतना अच्छा, करोड़ों आरसीबी फैंस का ये एकमात्र सपना था और जो कि वीडियो में पूरा भी हुआ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा हुआ।
ठीक है, लेकिन वही है भाई, सारे किए कराए बने बनाए ताजमहल पे, यहाँ पे पानी फिर गया है ना। मैं कुछ और बोलने वाली थी लेकिन बोलूंगी नहीं, यहाँ पे पानी फिर गया, ठीक है। और वो ट्रॉफी के बजाय उसके बेचारे के कान उमेटे जा रहे, ओ गॉड, उसके कान ना हाथ ही कान हो गए होंगे, डम्बो हद हो गई। और इस वीडियो में यार बहुत ही ज्यादा ज्यादा फनी और क्यूट क्यूट मोमेंट्स थे, नॉटरिया सबसे ज्यादा मुझे वो अच्छा लगा था। ए भगवान, एम्पायर आउट कैसे हो जाएगा। और वो वाला सीन तो कौन ही दे दे, ले कोनी, अब कोनी मारने को थोड़ी ना बोला था, कौन चाहिए थी उस बेचारे को आइसक्रीम कोनी, यार क्या है मतलब। हो गई। सो गाइज, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।